दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। और आज की इस वीडियो के थ्रू इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स जो रिसेंटली सीबीडीटी के 2 दिन पहले आए नोटिफिकेशन की वजह से बने हैं, मैं उन्हीं पर एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवरेज क्या क्या है, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20? असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट क्या है? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? यानी अभी अभी समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 के लिए टैक्स ऑडिट की डेट क्या है? वेदर एनी एक्सटेंशन इन द इन्वेस्टमेंट डेट्स इज मेड और नॉट, कि जो अभी इन्वेस्टमेंट की डेट्स हैं जो हमारे लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए थी, क्या उनके अंदर कोई एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है क्या दोबारा से? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम, ये भी हमें चेक करना है। एनी रिविजन इन टीडीएस टीसीएस कंप्लायंस डेट्स, ये भी बात मैं आपके सामने रखूंगा। एनी रिविजन इन द असेसमेंट ओपनिंग एंड कंप्लीशन डेट्स, ये आपके साथ मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। एंड एक्सटेंशन इन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इफ एनी, इस प्रश्न का भी उत्तर इस वीडियो के थ्रू ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ऑफिशियल कंटेंट रख देता हूं कि ये बात आ कहां से रही है, ये जो रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट है कहां से आ रहे हैं। टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 जो 31 मार्च 2020 को भारत सरकार ने जारी किया था, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और रीसेंट नोटिफिकेशन जो 2 दिन पहले सीबीडीटी का आया है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, वो भी रिलेवेंट है। तो मैं इन्हीं दो सोर्सेस से आज के अमेंडमेंट्स की आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है सर, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20? आपको उत्तर पता है सर कि सरकार ने ये डेट बढ़ाकर के 30 जून 2020 कर दी थी। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अब इसे 30 जून 2020 से बढ़ाकर के 31 जुलाई 2020 कर दिया है। यानी अगर आप 30 जून 2020 तक भी असेसमेंट ईयर 19-20 के आईटीआर नहीं भर पाए, या आपको रिटर्न में कुछ मिस्टेक है, कोई ऑमिशन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको रिटर्न रिवाइज करनी है, तो सर आप 31 जुलाई 2020 तक भी अपनी आईटीआर फाइल भी कर सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर। अगला प्रश्न देखिएगा सर, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? इसके लिए मैंने अपने पिछले इनकम टैक्स अपडेट में भी कहा था और आज फिर वही बात पुनरावृत्ति से कह रहा हूं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट दोस्तों 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यानी जो हम लोग यूजुअली नॉन टैक्स ऑडिट केसेस में 31 जुलाई तक, टैक्स ऑडिट केसेस में 30 सितंबर तक रिटर्न भरा करते थे, वो डेटें अब दोनों ही केसेस में बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर। आगे देखिएगा सर, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? असेसमेंट ईयर 2021 यानी जो अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ है 19-20 के लिए, उसके लिए टैक्स ऑडिट की डेट सर बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2020 की गई है। यानी केवल एक महीने का एक्सटेंशन यहां पर आया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 31 अक्टूबर 2020 तक तो टैक्स ऑडिट करा लेनी है और 30 नवंबर 2020 तक अपनी आईटीआर फाइल कर देनी है अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर्ड असेसी हैं। ये प्रश्न देखिएगा सर, वेदर एनी एक्सटेंशन इन इन्वेस्टमेंट डेट हैज टेकन प्लेस और नॉट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, और मेरे आंसर को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 54 to 54 GB, ये कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है सर? 54 to 54 GB वो इन्वेस्टमेंट जो 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 के बीच ड्यू हो रहे थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की डेट सरकार ने पहले बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी थी। अब सरकार ने सर वो डेट बढ़ा करके 30 सितंबर 2020 कर दी है, यानी और बेनिफिट दे दिया 3 महीने का। अब इसके फायदे कैसे आ सकते हैं, जरा मैं इस बात को भी उदाहरण से रखूं। मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 में कोई कैपिटल गेन कमाया और वहां मुझे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से कैपिटल गेन का रीइन्वेस्टमेंट का 2 साल का पीरियड मिला से 31 मार्च 2020। अब कोविड-19 सिनेरियो की वजह से मैं नई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो मेरा एक्विजिशन का पीरियड जो 31 मार्च 2020 था वो बढ़ा करके सर अब 30 सितंबर 2020 कर दिया। और उदाहरण से सुनिए,
मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेची थी 1 नवंबर 2019 को और मुझे कोई पर्टिकुलर बॉन्ड लेने थे एनएचएआई के या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए अंडर सेक्शन 54EC। तो वो जो 6 महीने थे सर, वो 6 महीने हमारे खत्म होंगे। मान लीजिए 1 नवंबर अगर मैं डेट आपके पास रख रहा हूं तो 30 अप्रैल 2020 तक मेरे 6 महीने खत्म होते थे। अब सर वो पीरियड बढ़कर के आ जाएगा 30 सितंबर 2020। यदि मैं यहां तक भी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा बॉन्ड्स में तो मुझे कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलती रहेगी। और एक बात सर, इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 6 से फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 यानी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वैसे तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने की लास्ट डेट 80C, 80D एक्सेट्रा में या 80G भी आप बोल सकते हैं, लास्ट डेट थी वैसे तो 31 मार्च 2020। अब सरकार ने सर 30 जून से उस अवधि को भी बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 कर दिया है। तो ये एक और रिलीफ हमारे को इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर मिली है। यहां पर हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। ये आप सबको बताया सर कि विवाद से विश्वास स्कीम ओरिजिनली 31 मार्च तक थी, उसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया, बट फॉर्चुनेटली सर 30 जून से भी बढ़ा करके उसे 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। तो सर ये कंफ्यूजन है मार्केट में थोड़ा सा कि 30 जून 2020 तक तो आपको डिक्लेरेशन फाइल कर देना है और 31 दिसंबर 2020 तक आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी स्पष्ट राय है कि अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले भी डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे यानी 30 जून के बाद और 31 दिसंबर से पहले, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका डिक्लेरेशन मान्य होगा, प्रोवाइडेड आपकी एक अपील या डीम्ड अपील 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलीफ है सर जो हमें ध्यान रखनी है। रिवीजन इन टीडीएस टीसीएस कंप्लायंस डेट। देखिए सर, टीडीएस टीसीएस की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसको अब बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 कर दिया लास्ट क्वार्टर के लिए। तो जो भी एसएससी सर 30 जून 2020 तक भी अपनी टीडीएस रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो वो सर अब अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक टीडीएस टीसीएस की रिटर्न विदाउट किसी प्रकार की फीस का भुगतान किए पे कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने 31 जुलाई 2020 तक अपनी टीडीएस टीसीएस रिटर्न भर दी है तो रिस्पेक्टिव टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट जो थी वो भी अब बढ़ा करके सर 15 अगस्त 2020 कर दी गई है। यहां देखिए सर, रिवीजन इन असेसमेंट ओपनिंग एंड कंप्लीशन डेट्स। ये क्या हुआ सर, देखिए असेसमेंट ऐसे असेसमेंट जिनकी ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 के बीच आ रही थी उनके लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी थी। जैसे सरल उदाहरण से समझिए, असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी एसएससी का सेक्शन 147 में असेसमेंट करना चाहता तो वो असेसमेंट करने की खोलने की लास्ट डेट थी उनके पास 31 मार्च 2020। पहले ऑर्डिनेंस से सर ये अवधि बढ़ा करके कर दी गई थी 30 जून 2020, अब ये अवधि और बढ़ा करके कर दी गई है 31 दिसंबर 2020। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट EY 13-14 का असेसमेंट या उसके बाद के असेसमेंट ईयर्स का असेसमेंट 31 दिसंबर 2020 तक भी खोल सकता है, ये पावर भारत सरकार ने डिपार्टमेंट को दे दी। और देखिए, अगर आपका 31 दिसंबर 2020 तक कोई पर्टिकुलर असेसमेंट ओपनिंग एक्सटेंड हुई है तो उस असेसमेंट के कंप्लीशन की डेट डिपार्टमेंट को 31 मार्च 2020 मिलेगी। ये भी समरी इसी पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से निकल करके आती है। यहां एक और विशेष व्यवस्था हुई है सर, एक्सटेंशन इन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। मुद्दा क्या है सर, देखिए क्या है, जब हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड होती है ऐसे 31 जुलाई से 30 नवंबर चली गई तो अब मैं निश्चिंत हूं, मैं 30 नवंबर तक रिटर्न भर सकता हूं, 30 नवंबर तक अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकता हूं। लेकिन सरकार ये कह रही है सर ये रिलीफ हम आपको तभी देंगे यानी 30 नवंबर 2020 तक आप सेल्फ असेसमेंट पे करिए, आपको कोई सेक्शन 234A में इंटरेस्ट नहीं देना अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी अप टू 1 लाख है। यानी जिन व्यक्तियों की सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से अधिक है उनको सर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट 31 जुलाई 30 सितंबर 30 नवंबर एज द केस में भी वहां तक अपना सेल्फ असेसमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो सर ऐसे एसएससी को फिर 234A का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रही बात सर 234B और सी के इंटरेस्ट की, उसमें तो कोई रिलैक्सेशन है नहीं। हाँ ये बात सरकार ने करी थी कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट से एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट बनता है 234B में
वो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट अगर आपका इस पर्टिकुलर पीरियड का है जो आपने 30 जून तक जमा करा दिया, तो आपको अप्रैल से जून के पीरियड की जो ब्याज दर रहेगी वो 1% पर मंथ की जगह 0.5% यानी 9% पर एनम रहेगी। तो सर यहां पर मैं वो चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपको स्पष्ट व्यवस्था केवल सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स के संदर्भ में दे रहा हूं कि अगर आपका सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स अप टू 1 लाख बनता है तब तो आप 30 नवंबर तक भी सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स चुकाने पर 234A में इंटरेस्ट नहीं देंगे। 1 लाख से ज्यादा का यदि आपका सेल्फ एडजस्टमेंट का टैक्स बनता है, जैसे आप रिटर्न भरते समय अगर फाइनली 1 लाख से ज्यादा टैक्स सेल्फ एडजस्टमेंट में जमा कराएंगे, तो वहां पर सर आपको फिर ये ध्यान रखना है कि आपने 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी आपकी ड्यू डेट है वहां तक सेल्फ एडजस्टमेंट का टैक्स जमा करा दिया हो, नहीं तो 234A में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं मुझे सुनने के लिए, मेरा उत्साह वर्धन करते रहने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स अपडेट्स लाता रहूं, और आप भी मुझे लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज या कोई और विषय जिस पर आप चाहते हो कि मैं आने वाले समय में कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।